इंडिया रिफ्यूज टू ब्लेम इजराइल फॉर वॉर क्राइम्स यूएन वोट सरप्राइजेस एवरीवन बाय प्रशांत धवन। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक मूव चला है। यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में लगातार इसराइल को टारगेट किया जा रहा था। एक के बाद एक 4 से ऊपर रेजोल्यूशन प्रेजेंट किए गए सिर्फ इसराइल को टारगेट करते हुए। और मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो डिप्लोमेसी में ना काफ़ी बार आपको ध्यान रखना होता है खुद के इंटरेस्ट का और साथ ही साथ दूसरों के भी इंटरेस्ट का। डिप्लोमेसी में बिल्कुल लोग कहते हैं कि देखिए हमारे इंटरेस्ट सबसे ऊपर, मगर आप दूसरों के इंटरेस्ट इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हम एक ग्लोबल कम्युनिटी में रहते हैं। दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। अब इंडिया के इंटरेस्ट हैं ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया में, यूएई में, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया के बहुत ज़्यादा गहरे रिलेशन हैं। साथ ही साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं इसराइल के साथ भी। तो आप बैलेंस कैसे करोगे? तो इंडिया ने देखो कई रेजोल्यूशंस पर यस वोट कर दिया जहां पे इसराइल को टारगेट किया जा रहा था, मगर जो मेन रेजोल्यूशन था जहां पे ये बात लिखी थी कि इसराइल पर ब्लेम लगाया जाएगा वॉर क्राइम्स का, यहां पे आप देख पाएंगे UNHCR ने हाल ही में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया है कंडेमिंग इसराइल्स वॉर क्राइम्स इन गाजा। ये देखो किसी कंट्री को आप जब ये कहते हैं ना कि आपने वॉर क्राइम्स किए हैं तो एक बहुत बड़ा आरोप होता है। तो इंडिया ने इस आरोप वाले रेजोल्यूशन से वोट करने से मना कर दिया। हमने ना यस वोट किया ना नो वोट किया, एब्सटेन एंड चिल की पॉलिसी यहाँ पर अपनाई। इंडिया के साथ जापान समेत कई और कंट्रीज़ ने भी एब्सटेन एंड चिल किया, मगर बाकी जगह कई बार इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट भी वोट किया है। अब जो रेजोल्यूशंस एक के बाद एक आए थे इसराइल के ऊपर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जो रिसेंटली हुआ है ना, इट इज़ रियली वेरी रेयर। अभी एक सेकंड के लिए ना ये वीडियो देखते हैं मिलकर। यहाँ पे जो ये महिला आप देख रहे हैं ये हैं फ्रांचेस्का एल्बनीसी, ये यूएन ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट हैं। तो ह्यूमन राइट्स का जो काउंसिल है ना यूएन का, वहाँ पे ये काफ़ी बड़ी आवाज़ है। अब देखना ये क्या कहती हैं इसराइल के बारे में। इट्स टाइम टू टेक कंक्रीट एक्शंस, आर्म्स एम्बार्गो, सैंक्शंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सैंक्शंस। ये इसराइल की बात कर रही हैं। पूरी वीडियो काफ़ी लंबी है, उसमें बताएंगी कि देखिए बहुत अत्याचार हुए हैं गाजा में, नंबर्स वगैरह बताएंगी, मगर मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ कि ओपनली अब यूएन ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसराइल को रोकने के लिए, जो अभी जिनके हिसाब से जो जेनोसाइड हो रहा है गाजा में इसको रोकने के लिए इसराइल पर आर्म्स एम्बार्गो लगा दो, मतलब कि कोई भी देश इसराइल को वेपन सप्लाई नहीं करेगा। ये ऑब्वियसली यहाँ पे इशारा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ। और आगे ये भी ऐड करती हैं कि डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सैंक्शंस हर तरफ से, बेसिकली इसराइल को दुनिया में अकेला कर दो ताकि जो गाजा में ये लोग कर रहे हैं ये रुक जाए। अब ऐसा माहौल है, ये मैं जो छोटी सी क्लिप है ना आपको मैं बस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप माहौल समझ पाओ कि यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कैसा वातावरण था। अब उसके बाद लगातार इसराइल पर वोटिंग होती है और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यूएन का ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं बैठते हैं, वोटिंग होती है। ये ऊपर क्या लगा हुआ है मुझे पता नहीं, स्टाइल है, मॉडर्न स्टाइल है, मुझे इतना जवानी घर पर, फिर भी बहुत ही आइकॉनिक इनका ये पूरा हॉल है। और ये मेंबर है आज के समय यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, नोट करिएगा अभी मेंबरशिप में यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, तीनों आपको मिलेंगे। तो दुनिया की जो 3 मेन कंट्रीज़ हैं, रशिया को वैसे यहाँ पे निकाल दिया गया था या फिर आप कह लीजिए रशिया खुद निकल गया था, वो एक अलग कंट्रोवर्सी हुई थी, मगर जो मेन आप कह लीजिए टॉप कंट्रीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, इंडिया, चाइना, यूएस, ये यहाँ पे आपको मिलेंगी। नाउ वोटिंग होती है सबसे पहले इस इशू को लेकर के जो इसराइली सेटलमेंट्स हैं पैलेस्टीनियन टेरिटरी की, ईस्टर्न जेरूसलम की और ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स की, ये गलत है, वोट करो कि क्या इसराइल ने गलत तरीके से फिलिस्तीन का एरिया कब्जा रखा है, नहीं कब्जा रखा, सीरिया का जो गोलन हाइट्स है ये कब्जा रखा है, नहीं कब्जा रखा। इंडिया ने यहाँ पे कहा कि हाँ जी कब्जा रखा है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया ने यस वोट किया है, यूएसए ने ऑब्वियसली यहाँ पर नो वोट किया इसराइल का समर्थन करते हुए। फिर एक और रेजोल्यूशन सामने आया, इसमें स्पेसिफिकली बात करी गई गोलन हाइट्स की। गोलन हाइट्स मैंने आपको बताया ये जो इलाका है, ये जो इसराइल ने कब्जा रखा है फ्रॉम सीरिया, ये गलत किया है इसराइल ने,
इस पर भी कंट्रीज ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल गलत किया है। ये रेजोल्यूशन भी आराम से पास हो गया। यूएसए ने यहां पर भी इसराइल का सपोर्ट किया और नो वोट कर दिया। फिर एक और रेजोल्यूशन आया कि जो फलस्तीन के लोग हैं क्या इनको खुद का देश मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फलस्तीन को अभी भी यूएन में एज ए ऑफिशियल कंट्री एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इंडिया ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल यहाँ पे फलस्तीन का हम सपोर्ट करते हैं, इनको अपना जो राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का ये मिलना चाहिए। ये बात रिसेंटली जयशंकर साहब ने भी कही है कि फलस्तीनियंस को प्रॉमिस किया गया था एक कंट्री, वो इनको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। यूएसए यहाँ पर भी आप देखो इसराइल के समर्थन में नो वोट करता है। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन सामने आता है, ये रेजोल्यूशन है वॉर क्राइम्स का। और यहाँ पर यही बात लिखी गई है जो आपने पहले सुना कि जी आर्म्स एम्बार्गो लगा दो इसराइल पर, कोई हथियार नहीं बेचेगा इसराइल को, और वेरियस और बातें यहाँ पर लिखी हुई। इस रेजोल्यूशन को इंडिया ने एब्सटेन कर दिया, ना यस वोट किया ना नो वोट किया, क्योंकि दुनिया देखिए बहुत ज़्यादा बटी हुई है और आज के समय इसराइल के सपोर्ट में वोट करना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है जो लगातार नो 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 वोट कर रहा है। हालांकि इनके नो वोट का कुछ फायदा हुआ नहीं, सारे रेजोल्यूशंस पास हो गए। अब अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछोगे तो वेट, क्या इसराइल पर अब सैंक्शंस लग गए, क्या इसराइल पर जो अब ये आर्म्स एम्बार्गो की हम बात कर रहे थे वो भी लग जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। ये अभी जो यहाँ पे यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कोई पावर नहीं है कि ये खुद सैंक्शंस लगा ले, ये बस बाकी कंट्रीज को इम्प्लोर कर सकते हैं कि देखिए ये देश ह्यूमन राइट्स के मामले में इतना ज़रा खराब ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, ये लोग जेनोसाइड कर रहे हैं, ये लोग क्रुएल्टी दिखा रहे हैं, इनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। तो यहाँ से देखिए दरख्वास्त दी जाएगी, बाकी ऑब्वियसली यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उनके टेबल पे चिट्ठी पहुँचेगी कि इसराइल पे सैंक्शन लगाओ। यूएसए के प्रेसिडेंट उस चिट्ठी को फाड़ के आगे निकल जाएंगे, कुछ उस पर एक्शन नहीं लेने वाले। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपके हिसाब से इंडिया का जो वोट था यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, क्या आप मानते हैं कि यह सही वोट था, या फिर आप मानते हैं कि इंडिया को और ज़्यादा सपोर्ट दिखाना चाहिए था इसराइल का, या फिर कम सपोर्ट दिखाना चाहिए था? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। क्योंकि याद रखिएगा इन दी एंड ट्रू डिप्लोमेसी लाइज इन बींग एबल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। ये कोट जो है ये बहुत ज़रा फंडामेंटल है और मैं कहूँगा कि कुछ हद तक आचार्य चाणक्य की जो सोच थी डिप्लोमेसी से रिलेटेड उसको भी ये मिरर करती है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको स्टडी आईक्यू की तरफ से फिजिकल बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी एट योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिंड कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और आपके सामने फिर खुल जाएगा ये पेज। नाउ यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंडर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करेगा स्टडी आईक्यू, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए आपको दिल्ली में इनवाइट किया जाएगा बाय स्टडी आईक्यू। आप दिल्ली में रहोगे, आपका खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा, आपको वन टू वन मेंटरशिप दी जाएगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और अब तो देखिए बुक्स आपको दी जाती हैं बाय स्टडी आईक्यू, जिनकी अपने आप में कॉस्ट 6,000 रुपीज़ है। और जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ना इस कोर्स का, ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और आपको मिलेगा एक मैसिव 7,500 रुपीज़ का डिस्काउंट, द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। और 30,000 रुपीज़ में आपको 30 महीने का ये कोर्स मिलता है। बेसिकली आप हर महीने का 1,000 रुपये पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। फाइनली रेजोल्यूशन तो पास हो गई कि भाई वॉर क्राइम कर रहा है इसराइल, और चार पांच कंट्रियों ने मेरे ख्याल में किया एब्सटेन। अमेरिका तो भाई साहब उसको आते ही नो है, नो 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 नो, नो चारों रेजोल्यूशन में नो ही था। तो दोनों कंट्री है ही एक कुछ। अच्छा ये नहीं, अच्छा, जब ईरान ने आवाज उठाई थी कि मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगा तो अमेरिका ने बेड़े भेजे थे, अपनी आर्मी भेजी थी। सही बात है। अच्छा मुझे नहीं भेजनी हो अमेरिका की एजेंसियों को, या अमेरिका को पता नहीं कि वो यमन सीरिया का हिस्सा था जो इजराइल ने कब्जाया, हिस्सा जो है वो इजराइल ने नहीं कब्जाया, अमेरिका को पता नहीं, तो बाबर भी कहता नहीं कब्जाया। बिल्कुल दुनिया सारी गलती है, एक अमेरिका ही सच्चा है। मैं हैरान हूँ जिन्होंने इसराइल को जगह दी थी रहने के लिए, उस फलस्तीन को ये मानते ही नहीं। अजीब सवाल है भाई,
उन्होंने जगह दी बेघरों को रहने के लिए। चलो ये बेघरत अब ऊपर आ गए तो उसको कहते हैं उनकी तो मारने वार क्राइम जो होते हैं ना वो जंग के भी कुछ असूल होते हैं। चलो दहशत गर्दों ने हमला किया अटैक किया बिल्कुल मानते गलत था कंडेम करते हैं मासूम लोगों पे अटैक इसका मतलब ये तुम्हें भी गरीब और जो लेकिन जो को मारा सॉरी इंडिया बार बार आ जाता है इजराइल जो कर रखा है फास्फोरस जो है वो बम इस्तेमाल किए गए व्हाइट फास्फोरस जो कि नहीं करने चाहिए जंग में बिल्कुल बैन है मना है क्योंकि भाई वो ऐसी खतरनाक गैस होती है जिसमें वो बंदा ऑक्सीजन वो सांस के साथ अंदर चली जाए ना तो आग लग जाती है ऑक्सीजन के वो अटैच में आते ही आग लग जाती है। मतलब कोई हॉस्पिटल में आपने सांस लिया तो आपने जितनी बार सांस लेना आपके अंदर आग लग जानी शुरू हो जाना है। सबसे बड़ा वार क्राइम तो वो है यार ये भी तो खाने पीने की चीजें बंद कर दी गई पानी के प्लांट खत्म कर दिया हॉस्पिटल गिरा दिए यूनिवर्सिटी में को बच्चा पढ़ेगा वो तबाह कर दिए एक जगह में बोला भाई यहाँ से निकल कर आप दूसरी जगह पे चले जाओ। अच्छा वो वहां भी जा रहे हैं इसराइल की तो वहां पर भी अटैक किए जा रहे हैं तो ये सारे भाई साहब वार क्राइम पे आते हैं। अच्छा तारिक साहब इंडिया ने जो किया तो अच्छा है मतलब उन्होंने जो फलस्तीन की हक में आवाज उठाई ना लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ने वाला यार इंडिया ने इस दफा इंसानियत की खातिर उन्होंने आवाज उठाई है दोनों तरफ ही नहीं हूँ मैं न्यूट्रल हूँ भाई इस मामले लेकिन फायदा कोई नहीं इंडिया के से अच्छे लेकिन वो कहते हैं वो एक ना बंदा था वो ना पे बोटी घूम रहा था आग पे तो कोई कवा आया भाई साहब बोटी उठाई और उड़ गया तो वो बंदा पता है क्या कहता है भाई साहब जिधर मर्दी चला जाओ भूननी तो यहाँ पर ही आग है ना आग पे तो वही सेम बात है भाई के जितनी मर्जी रेजोल्यूशन पास करवा लो सारा कुछ तो अमेरिका के पास ही टेबल तो भाई साहब अमेरिका पे ही जानी है ना कि वहां पर उन्होंने साइन करके उन्होंने पूरा डाल में साइन ही नहीं करना करने क्या भाई उन्हें सुनवाई नहीं हुई उनका कोई अमल दरामद हुई कोई कभी भी नहीं हुआ कोई कुछ नहीं होने वाला इसराइल के खिलाफ जाता ना अमेरिका तब जाकर कुछ ना कुछ चांसेस दे मतलब कोई रद्दे पर हो सकता है भाई साहब वो बिल्कुल ही उसके साथ खड़ा है सऊदी अरब और यमन की तारक पता नहीं कब से लगी हुई है आज तक कितनी स्टेटमेंट है कितनी बार बात हुई कभी फर्क पड़ा मैं तो भाई हैरान इसलिए हूँ की इसराइल देख रहे अमेरिका को आके दिखाता है बाइडेन के मुंह पे उन्होंने थूक दिया भाई और बाइडेन कौन सा बंदा वो क्या बोलना वाशरूम में जाके गिर गया खुद मुंह पर गिर गया गलती क्या हो पास है यकीन मानो एक तो यूएन का जो सेक्रेटरी था वो तो एक नमूना बिठाया हुआ है यूएन का जो सेक्रेटरी था उसको भाई साहब आके दिखाई नितिन वो यूएन सेक्रेटरी जो इंडिया में आया था जम्मू कश्मीर देखने इंडिया ने उसे जाने दिया यूएन के सेक्रेटरी को इंडिया ने जाने दिया तू किसकी बात करता है यार वही तो बात है भाई के कोई यूएन की इतनी बात लफ्जों में कहूं तो कोई औकात नहीं यूएन असेंबली की अखबार ने बताया था कि कोई औकात नहीं जो मर्जी मेरे पास कर यहां पर अमेरिका चाहता है सारा वो ही जो अमेरिका करेगा वही अमेरिका चाहता है फलस्तीन को कब्जार हो इसराइल तो वो कब्जार है सारी दुनिया चुप है किसी ने आवाज नहीं उठानी बस ऐसे मेरे पास करते जाओ करते जाओ अब कितने कंट्री में आवाज उठाई हर दफा तो उठाई बिल्कुल वो मर गए वो मारेगा जिन्होंने आवाज उठाई क्यों भाई हाँ भाई इंडिया ने चार दफा वो इंडिया वो कंट्रियों में तो नहीं है नहीं नहीं इंडिया ने चार इंडिया को उन्होंने रखा हुआ चाइना के लिए अगर चाइना का मसला ना होता आज इंडिया पे भी ब्लेम होता आज इंडिया पे भी सैंक्शन लग रहे थे चाइना अगर ना होता तो पता नहीं मैं तुझे सीधी बात बता रहा हूँ चाइना का मसला ना होता तो इंडिया पे भी लग जाना था अगर रशिया पे लग सकता है ना भाई अगर उस पे क्या वो मुल्क है ईरान सॉरी ईरान पे तो लगा है वो कर्नल कदाफी उसकी कंट्री पे भी लग गया है तब इंडिया पे भी लग रहा था अगर चाइना ना होता तो इंडिया को चाह के भी नहीं वो कर सकता ब्लेम कर सकता कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन भाई साहब ये रेजोल्यूशन का मतलब मैं तो कहता आया था इदारे को इतनी ज्यादा फंडिंग होती है हर साल सारे कंट्री मिलकर फंडिंग करते खाती है वो फंडिंग किधर जाती है ये बिजनेस खाती है रखा गया है मैं तो कहता हूँ इसको बंद करेंगे जंगल का कानून चलने दे जो तगड़ा है वो मारता जाए तो कमजोर है अभी इस बंदे को समझाओ जंगल का कानून अभी जंगल का कानून रखता है ये जंगल का कानून ओ भाई हमास ने की ज्यादती एक मिनट हमास ने ज्यादती की 5 दान लाकर दागे या 2 दागे बेगुनाह बच्चे बुजुर्ग मारे गए उधर भी जो मारे मानते हम लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि उनकी फौज को या उन मुजाहिदों को मारने के बजाय बेगुनाहों को मारते जाए यह जंगल का कानून नहीं है। अच्छा रशिया यूक्रेन पे अटैक करता है तो भाई साहब उस पे सैंक्शन आ जाते हैं बिल्कुल आ गए वहां पे अमेरिका का धरती मफाद है बिल्कुल इनके साथ दिख रहा है यूरोपियन कंट्री का वेस्टर्न कंट्री का दिखता है फौरन पाबंदियां वहां पे पाबंदियां लग जाती है ये गाजा में बच्चे मर रहे हैं उनको अस्पताल में खाने के लिए मैं देख रहा था भाई साहब वो भाई साहब गट्टे मट्टी से वो ऊपर से जब वो फेंकते हैं खाने पीने का राशन
वो मट्टी में कहीं मिल जाता है उसको वो उठा रहे थे भाई, भाई भूख मरे क्या करे बेचारे भूख में, वहां पर इनकी इंसानियत नहीं जागती क्योंकि भाई भाई साहब वो मुसलमानों के बच्चे हैं और मुसलमानों के बच्चों को भाई साहब हर बंदे दहशत गर्द नजर से देखता है। बिल्कुल, तो ये जो नफरत है ना भाई साहब, चलो जो गलत है उसको गलत बोलो, जो गंद बंदा दहशत गर्द है उसको हम भी दहशत गर्द बोलते हैं, लेकिन जो मफहूम बच्चे है ना भाई साहब, बच्चे सबके एक जैसे थे, आपके बच्चों को यार 9/11 में अमेरिका में एक हमला हुआ था जो उसामा बिन लादेन में लगा था, बेशक कुछ नहीं किया होगा, 1000 बंदे मरे थे 1.5 लाख को मारा था अफगानिस्तान में। हाँ, वही बात है, देख ले उस वक्त क्या हुआ था, आवाजें दुनिया में उठी थी, बेगुनाह अमेरिकन मारे गए, वो इंसानियत थी, तो ये इंसानियत नहीं है, इधर सारी दुनिया क्यों चुप रह गई, वो 3000 था भाई, आवाज उठाओ अमेरिका क्या औकात है, अमेरिका की आवाज सारी कंट्री का उठाए भी नहीं, आवाज उठाए तो नहीं, इससे आगे क्या कर सकते हैं यार मोदी साहब, ये आवाज नहीं, ये बता यार, एक इंडिया ने आवाज उठाई है, ये आवाज सारी दुनिया उठाए ना भाई साहब, वो कौन सा इंडिया के वोट से, मोदी साहब सारी दुनिया की कंट्री आवाज उठाए, अकेला अमेरिका कुछ नहीं कर लेगा यार, अमेरिका सब कुछ भाई साहब जिनके हाथ के अंदर इतनी सारी दुनिया की पावर एक साइड है, अमेरिका की एक साइड यार, ये ही तारक साहब बात है ना, एक तो तगड़े हैं यकूब को, ये लगता है कि अमेरिका को चला ही सऊदी अरब रहा है, और ना भाई ना सऊदी अरब ने क्या रहा, और कहता है सारा पैसा सऊदी अरब ने उधर इन्वेस्टमेंट कर रखी, नो डाउट कर, अच्छा ये बात झूठ है कि अरबी ममालिक का टोटल पैसा अमेरिका के बैंक में नहीं पड़ा, झूठ है नहीं, ये बात डॉलर में भाई साहब होती है कमाई यार, जिधर भी बेशक इनका भी लालच है, वो भी बात है, कहने का मतलब है सारी दुनिया में कितने मुल्क है, दो नंबर है ना, उनके खिलाफ खड़े हो जाए बच्चे तो अमेरिका फिर चाह के भी कुछ नहीं कर सकेगा, सारे डॉलर के पीछे अपने अपने लालच में पड़े हुए और कुछ भी नहीं, इस लालच में बेगुनाह बच्चे जा रहे, बुजुर्ग बच्चे औरतें मारे मरे जा रही है, क्या भाई अपने ना रूप देगा कमेंट सेक्शन में, क्या ना पहली रेजोल्यूशन का कोई फायदा हुआ ना इसका हुआ, मैं तो कहता हूं भाई साहब यूएन जनरल असेंबली को लगाना चाहिए, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।